काफी बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ है। G20 के समय हमारे यहाँ G20 देशों के बीच में विशेष रूप से बायोफ्यूल पर एक बायोफ्यूल की अलायंस भी हुई है G20 देशों में। आने वाले समय में हमारे देश में तो ग्रीन फ्यूल तैयार होगी ही, पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि पूरे विश्व में इसकी मशीनरी, इक्विपमेंट, इन सब को एक्सपोर्ट करके एक बहुत बड़ा बिजनेस की अपॉर्चुनिटी हमारे बिजनेस में जो काम कर रहे हैं उनको मिल सकती है। हमने जहाँ तक इथेनॉल का प्रयोग यशस्वी रूप से किया है और अभी नुमालीगढ़ में बाम्बू से भी इथेनॉल बनाया गया है और बांग्लादेश में जो पाइपलाइन जाती है डीजल और पेट्रोल के लिए, उसमें मैंने उनको सुझाव दिया है कि जो पेट्रोल जाता है उसमें 20% इथेनॉल डालकर अगर आप भेजेंगे तो इस बार इथेनॉल का एक्सपोर्ट भी हो जाएगा, बांग्लादेश की कीमत भी कम हो जाएगी, वहाँ के ग्राहकों को भी फायदा होगा, प्रदूषण भी कम होगा, और सबसे बड़ी बात कि नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में, सब जगह पर बाम्बू काटना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, इसका एक नया अपॉर्चुनिटी वहाँ के युवाओं को मिलेगी। मुझे ये भी बात की खुशी है कि परली जैसा जलाने से कितना नुकसान होता है, अब बड़े प्रमाण पर यहाँ हमारे रामकृष्णन जी आए हैं और आज बड़े प्रमाण पर प्रोजेक्ट्स परली से बायोगैस, बायो CNG, बायो LNG बना रहे हैं। जो पानीपत का प्रोजेक्ट इंडियन ऑयल का है बहुत ही अच्छा है, 1,00,000 लीटर इथेनॉल, 76,000 टन बायो एविएशन फ्यूल जिसको सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल कहा जाता है, और 150 टन बायो बिटुमिन। एक प्रकार से एक महत्वपूर्ण बात इसमें है जिसमें आप सब लोगों ने विचार करना चाहिए, प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। जहाँ तक मार्केटेबिलिटी है उसमें प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम 16,00,000 करोड़ का हम इम्पोर्ट करते हैं फॉसिल फ्यूल का। प्रॉब्लम यही है कि हमारे यहाँ जो बायोफ्यूल हम बनाएंगे उसकी कॉस्ट और हम जो इम्पोर्ट कर रहे हैं उसकी कॉस्ट, इसमें जब वो कॉस्ट कम होगी तो हमें ज़्यादा अच्छा मार्केट मिलेगा। और ये करने के लिए कुछ जगह पर हमें जैसे बायो CNG और बायो LNG और बायोगैस बनाने में इस बार भारत सरकार के हमारे वित्त मंत्री जी ने जो बायोमास का कलेक्शन है, बेल बनाना, ट्रांसपोर्ट करना, उसमें नए नए इक्विपमेंट डेवलप कर रहे हैं और वो ट्रांसपोर्ट करने में सब्सिडी दी है। इंडियन ऑयल जो राइस स्ट्रॉ परली खरीदती है उसको हरियाणा की सरकार 1,000 रुपये टन उनको सब्सिडी देती है। तो स्वाभाविक रूप से आने वाले समय में हमें ये भी देखना होगा कि एक तरफ हमारा रिसर्च, ये जो मिथेनॉल के इसमें मेथेनॉल के बीच में बायो CNG, बायो LNG, ग्रीन हाइड्रोजन, अब इलेक्ट्रिक तो पॉपुलर हो गया क्योंकि मैं ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूँ, तो ये सब बातों में प्रयोग तो हो रहे हैं। और एक ही बात है कि इकोनॉमिक वायबिलिटी जितनी आएगी उतना इसमें फायदा होगा। मैं अभी चौधरी साहब को यही कह रहा था कि दिस इज द अप्रोप्रिएट टाइम, वी नीड टू हैव ए कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन एग्रीकल्चर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड बायोफ्यूल मैन्युफैक्चरर्स, क्योंकि अगर हम जो एनर्जी क्रॉप्स हैं उसकी प्रोडक्टिविटी और उससे जो एनर्जी तैयार होने वाली वो नहीं बढ़ा पाएंगे तो स्वाभाविक रूप से इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं आएगी। अभी मैं राजस्थान में था तो मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी सबके साथ मीटिंग हुई और डेवलपमेंट की चर्चा हो रही थी, तब मैंने कहा कि जो शुगर बीट है राजस्थान में गंगानगर में उसको आप फिर से चालू करिए और अब शुगर बीट से शुगर बनाने के बजाय शुगर बीट से केवल इथेनॉल बनाने की अनुमति दीजिए। मैं प्रमोद चौधरी जी को धन्यवाद दूंगा कि इस क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी अच्छा रिसर्च किया है और अभी विशेष रूप से बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में उन्होंने यशस्वी रूप से एक विस्तारा का है ना, एयर एशिया का एक हवाई जहाज 1% वो डालकर उन्हें यशस्वी प्रयोग किया। इसके पहले स्पाइस जेट में भी हुआ है और 26 जनवरी के कार्यक्रम में हमारे हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट भी उसमें चले हैं। नागपुर में राफेल बनता है और ये जो डोसाल्ट करके कंपनी है उनके CEO मुझे मिलने के लिए आए थे और मैंने उनको विशेष रूप से अनुरोध किया कि अब हिंदुस्तान में इथेनॉल मिल रहा है, अभी हमारे मेरे रिक्वेस्ट पर पेट्रोलियम मंत्री जी ने कहा और वैद्य साहब ने घोषणा की है
कि वो देश में 400 इथेनॉल के पंप इंडियन ऑयल के द्वारा खोलेंगे। और अभी हमारे पास फ्लेक्स इंजन की गाड़ियां, जो स्कूटर्स है, मोटरसाइकिल है, अपने TVS की, बजाज की, हीरो की तैयार हैं। अब ऑटो रिक्शा भी तैयार है और मेरे यहाँ ही वर्ल्ड की पहली इनोवा है फ्लेक्स इंजन पर, जो 100% बायो इथेनॉल पर चलती है, 60% बिजली तैयार करती है, इथेनॉल और पेट्रोल दोनों यूज कर सकते हैं। और उसके अगर एवरेज हिसाब से पेट्रोल की तुलना में करेंगे तो पेट्रोल का भाव 25 रुपीज पर लीटर आएगा और पोल्यूशन नहीं के बराबर। तो आने वाले समय में फ्लेक्स इंजन पॉपुलर करने में एटवेल इंडस्ट्री का भी सहयोग चाहिए। लोग मुझे पूछते कि आप फ्लेक्स इंजन की बात करते हो, इलेक्ट्रिक की बात करते हो, ग्रीन हाइड्रोजन की करते हो, इतना फिर ये मिथेनॉल की भी करते हो, इलेक्ट्रिक, ये सब एक समय आ जाएगा तो क्या होगा? तो मैंने उनको एक जवाब दिया कि तुम सब लोग मिलकर 10 साल कितनी भी मेहनत करोगे तो भी तुम 20-25% के ऊपर जाना भी कठिन है, इतना पोटेंशियल है। क्योंकि अभी 16 लाख करोड़ का जो इम्पोर्ट है वो आने वाले 3 साल में, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 22% ग्रोथ है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में ग्रोथ इतनी बड़ी है। अभी मैं बंगलोर आया था तो मैंने उनको भी कहा कि अब तुम इलेक्ट्रिक पर, मेथेनॉल पर, इथेनॉल पर इंजन डालिए। मेरे कहने पर JCB ने अपना JCB हाइब्रिड बनाया, जो डीजल और इसके CNG पर था। उनको रशिया में 1000 JCB का ऑर्डर मिला। और आज अभी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वालों को भी मैंने कहा कि आप अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर जाइए। तो बड़े पैमाने पर उस एग्जीबिशन में मशीनरी आई थी। जनरेटर सेट के बारे में हम कोशिश कर रहे पर अभी तक उसकी सक्सेस स्टोरी नहीं बनी। मैं ये मानता हूं कि सरकार खरीदी करे ये बात जरूर है, पर सरकार खरीदने के बजाय अपना इथेनॉल मार्केट में ही बेचना और कैश में पेमेंट मिलना और 2 रुपये रेट ज़्यादा मिलना, ये उससे अच्छी बात होगी। ये पहले दिन से मेरा आर्गुमेंट है, क्योंकि सरकार में पॉलिसी समय समय पर बदलती रहती है, तो हम सेल्फ डिपेंडेंट बने। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये मार्केट डेवलप हो रहा है, 400 पंप खुले हैं। और अभी इथेनॉल से अगर हमारा बायो एविएशन फ्यूल खुलता है, होता है, तो वो भविष्य है। मुझे अभी पुरी साहब बता रहे थे कि वो जब डाउस में थे तो बड़ी चर्चा ये हो रही थी कि अब ये जो एविएशन फ्यूल है इसको हम 5% तक मैंडेटरी करेंगे, और ये अगर मैंडेटरी होगा तो आप समझ लीजिए कि वर्ल्ड में ये बायो एविएशन फ्यूल एक्सपोर्ट करने की अपॉर्चुनिटी इंडिया के पास है। इंडिया और ब्राज़ील, यहाँ मैक्सिमम ये हो सकेगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वर्ल्ड की केवल डोमेस्टिक मार्केट नहीं, अब वर्ल्ड की मार्केट में बायो फ्यूल और अल्टरनेटिव फ्यूल का मार्केट खुलने वाला है। और इसमें हमारे जहाँ तक व्हीकल से लेकर इसकी इक्विपमेंट बनाने वाली, मशीनरी बनाने वाले लोगों तक, सबको इसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और इसका कारण फॉसिल फ्यूल के तुलना में जो इकोनॉमिक वायबिलिटी इसमें है, इसके कारण इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होने वाली है। तो आने वाले समय में इसके जो बाय प्रोडक्ट है उसको भी वैल्यू एडिशन करके हम कैसे इसको और अच्छा बनाए, ये इकोनॉमी के लिए वायबल बनाए, ये हमारे पास चैलेंज है। बीच में मैं इंडियन ऑयल लेबोरेटरी में गया था तो रामकुमार जी ने मुझे बताया था कि उन्होंने कल्चर तैयार किया है, और कल्चर में जो विशेष रूप से बायो फर्टिलाइजर है उसमें यह कल्चर ऐड करने से उसकी 3 गुना NPK की वैल्यू बढ़ती है। अब ऑर्गेनिक कार्बन ये हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन जैसा है, और स्वाभाविक रूप से ये जो बायोचार है ये भी अब IIT ने इसमें काफ़ी रिसर्च किया है। तो एग्रीकल्चर में हमारे रेजेंट जो क्रॉप्स है उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, और एग्रीकल्चर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने रिसर्च करके प्रोडक्टिविटी और उससे जो हमको इथेनॉल बनाना है या गैस बनाना है तो कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, उसके जीन्स बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसकी प्रोडक्टिविटी और पर टन यील्ड जब बढ़ेगा तो इकोनॉमिक वायबिलिटी बहुत ज़्यादा आएगी। विदाउट इकोनॉमिक वायबिलिटी गाड़ी नहीं चल पाएगी, और इसलिए ये कॉम्पिटिशन में रहना ही है। और फॉसिल फ्यूल की तुलना में अगर हमारे रेट सही होंगे तो हमको इंडिया में नहीं वर्ल्ड का मार्केट मिलने वाला है। मुझे बहुत खुशी है कि अभी 15% डीजल में मिथेनॉल डालने का निर्णय भारत सरकार ने किया। अशोक लेलैंड के ट्रक 100% मिथेनॉल पर लॉन्च करने का मुझे बेंगलोर में मौका मिला। अब इतना ही नहीं तो बेंगलोर स्टेट कॉरपोरेशन की 15 बसेस
उस समय 15% मेथेनॉल डालकर पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुआ। हमारे को जितने जितने अल्टरनेटिव है जो प्रूव हो सक प्रूवन है और जिसके कारण हमारा इम्पोर्ट बच सकता है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे देश की इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को हमको प्रोटेक्ट करना है। अभी मैंने 4 रोड में म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके करीब 70 लाख टन से ज़्यादा कचरा यूज किया है, दिल्ली के UR2 में, फिर दिल्ली के रिंग रोड पे, और फिर हमने ये हमारा जो पेरिफेरल रोड है उसमें यूज़ किया, अभी अहमदाबाद डोलेरो रोड में किया, और सब जगह पर मैंने कहा कि आप कचरा निकाल के आप उसको यूज़ करो, वेस्ट टू वेल्थ। अब टायर में उसकी पाउडर निकालकर हम लोग बिटुमेन में ऐड करने की अनुमति दे रहे। मैंने एनवायरमेंट मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करके वेस्ट टायर को इम्पोर्ट करने की अनुमति दी। ये जो सर्कुलेशन इकोनॉमी है इसमें बड़े प्रमाण पर रोजगार निर्माण हो सकते हैं। अब प्लास्टिक से क्रूड पेट्रोल तैयार होता है, ये भी लोग कर रहे हैं, तो आने वाले समय में हमारे स्टार्टअप, हमारे रिसर्च करने वाले, हमारे इंस्टीट्यूट और हमारे यंग टैलेंटेड इंजीनियर्स लगातार रिसर्च कर रहे हैं।